मॉर्निंग्स, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चल में। मुर्गे से परेशान महिला पहुंची थाने और आके शिकायत दर्ज करवाई मुर्गे के खिलाफ। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये हैरान कर देने वाला मामला कहां से आ रहा है और पुलिस अधिकारियों ने क्या इसके ऊपर कार्रवाई की है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। मुर्गा करके कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने महाराष्ट्र के पुणे जिले से आ रहा है, जहां पर अचानक ही पुलिस स्टेशन में एक महिला को आते हुए देखा गया और उस दौरान ही वो महिला वहां पर पहुंची और उसने अपनी केस जो है वो बताया और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बोला। उसने ये चीज बताया कि मुर्गा और मुर्गे के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि मुर्गा उसके घर के सामने जो है घर के सामने वाले घर में रहता है और सुबह सुबह वो बांग देता है, जिसके कारण उसकी नींद जो है वो खराब हो जाती है। ये चीज सुन के वहां पर अधिकारी जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो गए कि एक मुर्गे के खिलाफ और उसके मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए ये महिला आई है। हालांकि ये तो नेचुरल चीजें हैं, जिससे पहले क्लॉक नहीं होती थी और मुर्गे की आवाज सुन के ही लोग उठते थे। इस दौरान ही इसके ऊपर तो आखिरकार पुलिस वालों ने केस जो है वो FIR दर्ज नहीं की। इतनी बात बोल के जो है वो महिला पुलिस स्टेशन से निकल गई। इस दौरान ही जब थोड़ी बहुत छानबीन की पुलिस कर्मचारियों ने इसके ऊपर, तब पता चला कि जिस घर में वो महिला रह रही है वो महिला का घर है ही नहीं। कुछ दिनों के लिए वो अपनी बहन के घर में रहने के लिए आई है। इस दौरान ही वो एक्चुअली में FIR दर्ज करवाने के लिए आ गई। जिस दौरान ही वहां पर उसकी बहन से बातचीत की गई, तब उसकी बहन ने ये चीज बताया कि उसकी बहन थोड़ी सी सनकी है, आप ऐसी चीज को रहने दीजिए। तो यहाँ पर ये जो पूरा मामला है वो सुर्खियों बटोर रहा है हर जगह पर। आई होप गाइस आप लोग भी बताएंगे कि मुर्गे की बांग आप लोगों को डिस्टर्ब करती है या सुबह फ्रेश करके उठा देती है। जरूर कीजिए मुर्गा करके कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।